तो आज का हमारा सफ़र जरगो आबशार की तरफ है। जरगो वाटरफॉल आज हम देखेंगे और इनका रास्ता जो है एक तो मट्टा बाज़ार से निकलती है। जब भी आप मट्टा बाज़ार पहुंच जाए तो मट्टा बाज़ार से एक रास्ता निकलती है जरगो आबशार। आप किसी से भी पूछ सकते हैं क्योंकि मैं तो मुरादे की तरफ से आ रहा हूँ। एक ये भी रास्ता जाता है जरगो आबशार के लिए। तो जरगो आबशार के लिए जब भी आपने जाना है तो मटवा रास्ता नहीं, वो कारपेट रोड है और अच्छा भी है, वो सीधा रास्ता है, वहीं से आप चली जाइए। जैसे जरगो वाटरफॉल रास्ता जो है, ये रास्ता सारा कारपेट रोड है इनका। अभी तक तो रास्ता कारपेट है, आगे देखते हैं। बहुत खूबसूरत सड़क है यार। तो चलिए जी, देखते हैं कि जरगो आबशार का रास्ता कितना खूबसूरत है और जरगो आबशार भी कितना खूबसूरत है। वहाँ कितने दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब ट्रैकिंग स्टार्ट किया, वहाँ जो मैंने बाइक को उधर जो आपको टीन डबल ना आ रहा है उसके साथ दूसरा वाला वो मेरे स्टिक को बिल्कुल सीधे इसके पास मैंने कड़क किया। अब ये पैदल ट्रैक है, आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये भी आप शोर है। तो चलिए जी, ये पानी क्रॉस करना है, किस तरह करें इसी साइड से क्रॉस करें। ये जगह नहीं, मेरे जो पीछे देख रहे हैं, मैंने बहुत मुश्किल से ये क्रॉस किया। जरगो वाटरफॉल जाना इतना आसान भी नहीं है। चलो अब क्रॉस कर लिया तो चलते हैं। यकीन माने जिंदगी में इतना मुश्किल रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। ये भी एक छोटा था, अभी बारिश फिर शुरू हुआ, मैं जल्दी जल्दी से जाता हूँ क्रॉस करके जाता हूँ। फिर आ गया, इधर आपको क्रॉस करना होगा। ये जरगो वाटरफॉल बहुत जालिम है, इतना ज़्यादा पानी इनसे बहता है, क्या कहूँ। ऊपर बारिश भी हुई है, अभी बहुत मुश्किल रास्ता है, लेकिन जिसके अंदर दिल होना, जज्बा होना, तो फिर इन रास्तों से वो ट्रैक कर सकते हैं। तो आए
बीच रास्ता रास्ता ना ये सारे जगह से जो पानी बैठा Thank you.